हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं सीसीएम काउंसलिंग के डेट शेड्यूल को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि सर रेगुलर राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कब तक कर सकते हैं, पेमेंट कब तक कर सकते हैं, इसके साथ ही रेगुलर राउंड की एडमिशन लिस्ट कब आएंगे, इसके साथ ही स्पोर्ट राउंड कब होगा, स्पेशल राउंड कब होगा, उनके लिए कब पार्टिसिपेट करना है, उनका शेड्यूल क्या रहने वाला है, और सीसीएम काउंसलिंग में हम विड्रॉ कब तक कर सकते हैं, लास्ट डेट कब तक है कि वहाँ तक हम अपनी सीट को वापस ले सकते हैं, और अपना जो सीट एक्सेप्टेंस फीस और पार्शियल एडमिशन फीस है उसको आप कब तक रिफंड ले सकते हैं, इसको लेकर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप रेगुलर राउंड को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इसका लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का और पेमेंट करने का लास्ट डेट 24 जून है। अभी 2 दिन का टाइम है। अगर आप चाहें तो रेगुलर राउंड को पार्टिसिपेट नहीं किए और आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 2 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पेमेंट करने का और रजिस्ट्रेशन फीस पे करने का लास्ट डेट 24 जून है रेगुलर राउंड के लिए। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट स्पेशल राउंड को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तब रेगुलर राउंड को पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आप डायरेक्ट स्पेशल राउंड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं चॉइस फिलिंग को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो रहे हैं चॉइस फिलिंग हम कब तक कर सकते हैं, इसमें कब तक कोरेक्शन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप रेगुलर राउंड की चॉइस फिलिंग 26 जून तक कर सकते हैं, उसमें कोरेक्शन कर सकते हैं। 26 तक आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। 26 जून के बाद आप चॉइस फिलिंग में किसी प्रकार का कोई कोरेक्शन नहीं कर पाएंगे, वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। तो ये आप बिल्कुल समझ गए कि चॉइस फिलिंग में अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं या चॉइस फिलिंग आप कब तक कर सकते हैं, लास्ट डेट 26 है, उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका रेगुलर फर्स्ट राउंड आएगा। रेगुलर राउंड का फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आएगा, वो कब आएगा, 29 जून को आएगा। 29 जून को आपका रेगुलर राउंड आएगा। इसके बाद जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिल जाएगी, 29 जून को जिन बच्चों को सीट मिल जाएगी और इसके बाद वो इस सीट को एक्सेप्ट करते हैं या अपग्रेड करते हैं या फ्रीज करते हैं, तो उनको क्या करना होगा, उनको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना होगा। इसके साथ ही उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स का डिटेल से हमने वीडियो बना दी, अगर आपने वॉच नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर वॉच कर लेना। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका सेकंड राउंड आएगा। सेकंड राउंड आपका 8 जुलाई को आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका थर्ड एडमिशन लिस्ट है। थर्ड एडमिशन लिस्ट स्टूडेंट आपका 13 जुलाई को आएगा। कब आएगा, 13 जुलाई को आएगा। इसके साथ ही थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद जिन भी बच्चों को रेगुलर राउंड में कोई सीट मिल चुकी है और वो उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं अपग्रेड के लिए या फ्रीज के लिए, उनको फिर पार्शियल एडमिशन फीस भी पे करना होगा। पार्शियल एडमिशन फीस, सीट एक्सेप्टेंस फीस और फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है सीसीएम काउंसलिंग में, इसका भी डिटेल से वीडियो बना दिया, अगर आपने देखा नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप देख लेना। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके होते हैं स्पेशल राउंड। स्पेशल राउंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 25 जुलाई से स्टार्ट होगा। कब से होगा, 25 जुलाई से स्टार्ट होगा स्पेशल राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन। तो जो भी स्टूडेंट्स डायरेक्ट स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको रेडी रहना है 25 जुलाई को रजिस्ट्रेशन के लिए। हालांकि 5-6 दिन आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा, आप उस टाइम ड्यूरेशन में कर सकते हैं जैसे सीसीएम का अभी रेगुलर राउंड का टाइम चल रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं सीसीएम काउंसलिंग के स्पेशल राउंड में 2 राउंड होते हैं, स्पेशल राउंड फर्स्ट, स्पेशल राउंड सेकंड, और वो कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स आपका सबके लास्ट में होगा क्या, नेशनल स्पोर्ट राउंड। क्या होगा, नेशनल स्पोर्ट राउंड, वो स्टूडेंट्स आपका 14 अगस्त से स्टार्ट होगा। कब होगा, 14 अगस्त से स्टार्ट होगा, और वो कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा। जितने भी बच्चों को सीट मिलेगा रेगुलर राउंड में, स्पेशल राउंड में या स्पोर्ट राउंड में, सभी बच्चों का फिजिकल रिपोर्टिंग एक साथ ही होगा, 18 अगस्त या उसके बाद ही होगा। ये स्टूडेंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही बात करते हैं कि आप विड्रॉ कब तक कर सकते हैं सीसीएम काउंसलिंग में, अपनी सीट को विड्रॉ कब तक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका लास्ट डेट है अगस्त। आपके विड्रो को लेकर ये डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। और ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं। धन्यवाद। आप भी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में निष्पक्ष रहना चाहते हो, प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, पर्सनली कॉल करके आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हो कॉलेज रिव्यू को लेकर, प्लेसमेंट को लेकर, स्पेशलाइजेशन को लेकर या किसी प्रकार का एडमिशन को लेकर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो स्टूडेंट्स आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद स्टूडेंट्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को मेरे निर्देशन में, मेरे डायरेक्शन में हमारा टीम हैंडल करेगा। स्टूडेंट्स हम हैंडल करेंगे स्टूडेंट्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को, एडमिशन फॉर्म से लेकर स्टूडेंट्स आपका जब तक फर्स्ट क्लास नहीं हो जाए पूरा सपोर्ट हमारा रहेगा, से पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा रहेगा। इसके साथ ही काउंसलिंग का एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, काउंसलिंग के टाइम पर चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना है, कौन कौन सी कॉलेज में, कौन कौन से प्रोग्राम में आप एलिजिबल है, उनका चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना है, सीट मिलने के बाद में सीट को अपग्रेड कैसे करना है, उसको एक्सेप्ट या फ्रीज कैसे करना है,
इसके साथ ही ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करना होगा, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करवाना होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या तैयारियां करनी होगी और सीट मिलने के बाद का क्या प्रोसेस रहेगा, जब तक आपका फर्स्ट क्लास नहीं होगा तब तक पूरा सपोर्ट स्टूडेंट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ऐसा कोई स्टेप नहीं है जहां पर हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए हमारा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके रजिस्टर कर सकते हैं। आईआईटी जेएम वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद में स्टूडेंट्स ये प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर आपको अपना डिटेल फिलअप करना है और पेमेंट करके आपको प्रोसेस कंप्लीट कर देना है, या फिर आप जो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर आप व्हाट्सअप करके भी सब्सक्रिप्शन के लिए डिटेल से आप जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पर भी आपको हमारे असिस्टेंट आपको बता देंगे कि सब्सक्रिप्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। अभी काफ़ी कम प्राइस के साथ, बड़े डिस्काउंट के साथ आपको हमारा मेंबरशिप स्टूडेंट्स मिल रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स व्हाट्सअप कर दो या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आके आप रजिस्टर कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। धन्यवाद।